सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो ना डोमिनार 250 है मैं मॉडिफाइड करने वाला हूँ, जिसमें आपका पैनियर्स हो गया, टॉप रैक, टॉप बॉक्स हो गया, टॉप रैक है, और उसके साथ हम ऐड करने वाले जैसे आपका क्रैश गार्ड, फॉक लैम्प, हैंड गार्ड, रिंगलेट, उसके बाद आपका आ जाता है हजार्ड सिस्टम, समझो ऑलमोस्ट जो अपना जो जरूरी वाला जो आइटम है सारे चीज़ हम मॉडिफाइड करने वाले हैं। और जो टॉप जैसे टॉप रैक और पैनियर्स का जो क्वालिटी है वो भी मैं दिखा दूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी आ गए हैं, लेकिन हमारा जो हमने कोशिश किया है क्वालिटी जो अच्छा देने का, जो आपको समझो कि एक तरीके से आप पैसे खर्च करो तो वो पैसे हमारे वसूल हो जाए। और जो हम पैनियर्स लगाने वाले हैं कुछ हमारा ये ऐसा आ जाता है, ये देख सकते हो। तो ये पहली बात तो ये अल्मीनियम का आएगा, दूसरी बात है कि आपका ये इसमें डबल लॉक आ जाता है, एक ही चाबी से सब सारा चीज़ ओपन हो जाता है। और इसका स्पेस वगैरह मैं दिखा देता हूँ, ये आपका आ गया, जैसे इसके अंदर का देख सकते हो आप, ये आपको 37 लीटर का आता है ये पैनियर्स, और 45 लीटर का आपका जो है ये मैं टॉप बॉक्स लगा रहा हूँ। और इसमें जो है आपका जो है पूरा साइड से इसमें जो है आप अपना कुछ भी रख सकते हो। दूसरी बात है ये क्लीन भी कर सकते हो, ये रबड़ वगैरह निकल जाता है हमारा, और क्लीन करने के लिए बाहर आप फिर से आप दोबारा अपना ऐड कर सकते लगा सकते हो। और इसके साथ आपको ये चाबी जो है कंप्यूटराइज आ जाता है, जो कोई और चाबी इसमें नहीं लगेगा, चाबी जो है ना ये दूसरा कोई और चाबी नहीं कोई लगा सकता है, जैसे आपका एक बार ये लॉक कर दिए तो ये कंप्यूटराइज चाबी। और इसके साथ स्टिकर वगैरह भी आ जाता है, जैसे ये साइड में हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारे साइड में स्टिकर वगैरह ये देख सकते हो डबल आएगा ये। और टॉप बॉक्स का जो क्वालिटी है वो भी मैं दिखा दूँ, फाइनली हमारा जो फिटिंग वगैरह हो रहा है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फिट करते हैं। बाय द वे कभी आप मंगाते हो तो आप फिट कैसे करना है वो आप देख लेना वीडियो में और फिट कर सकते हो। सो गाइस हमारा डोमिनार का काम शुरू हो चुका है, ये देख सकते हो, जैसे मैं टॉप बॉक्स हमारा टॉप रैक हमारा लग गया और ये हमारा सैडल स्टे हमारा लग रहा है। और इसमें 3 फिटिंग आ जाता है जो मैं आपको बता दूंगी, जो एक तो आपका यहाँ पे फिटिंग आ गया, दूसरा आपका यहाँ पे आ गया, और तीसरा जो हम यहाँ से देने वाले हैं ये देख सकते हो आप। ये पूरा फिटिंग होने के बाद तो मैं दिखाई दूंगा कि कैसा है, लेकिन ये हमारा फिटमेंट ये देख सकते हो कहाँ कहाँ है। ये एलकी वाले बोल्ट हमारा खुलता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम हमारा ये टॉप रैक लग जाता है। और इसमें यह है कि वजन जैसे ज़्यादा वजन वाले भी सामान रखोगे ना उतना आपको समझो कि एक तरीके से हल्का चीज़ वाला नहीं है, अच्छा अच्छी क्वालिटी में, और इस पर वजन डाल के आप जा सकते हो अगर कहीं जाना। और हमारे मेरे हिसाब से अगर लगाना है तो टॉप रैक कभी भी अच्छे वाला लगाओ, जो वजन वाला सामान भी रखो तो आपको कोई नुकसान ना हो। और इसके साथ हमने सिम्टेक का हजार लगाया, प्लग एंड प्ले सिस्टम ये देख सकते हो, प्लग एंड प्ले वाला है, सारे सॉकेट हमने खोला है, सारा सॉकेट लगाया है, जैसे ग्रीन डबल आता है सॉकेट लेफ्ट राइट का, मेल फीमेल आता है, ये आपका वाइट वाला और रेड वाला हो गया, कपलर खोला हमने लगा दिया, और प्लग एंड प्ले सिस्टम आया। प्लग एंड प्ले सिस्टम में ये होता है कि हमारा कोई वायर कटिंग नहीं हुआ, जो भी होगा प्लग एंड प्ले सिस्टम आप कभी भी फिर वापस अपना नॉर्मल कर सकते हो। और ये है कि आपका पैटर्न जो है आपका इंडिकेटर से ही चलेगा, जैसे आप इंडिकेटर को ऑन कर लो इंडिकेटर से ही आपको ऑफ हो कर सकते हो। और टॉप बॉक्स का जो है क्वालिटी मैं वो भी दिखा दूँगी कैसा है। सो ये देख सकते हो टॉप बॉक्स का क्वालिटी मैं दिखा दूँ, पहले तो हमारा ऐसे पैकिंग में आता है पूरा, जैसे आप देख सकते हो चारों तरफ से एकदम बिल्कुल, ये आपका आ गया बॉक्स 45 लीटर का है और अल्मीनियम का है, फिनिशिंग वगैरह से आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत शानदार है इसका। इसमें हल्के भी आते हैं लेकिन मैं हल्का नहीं बेचता, मुझे पसंद नहीं है, हल्के में और हैवी में है ना बस ज़्यादा का अंतर नहीं है, 1500-2000 का फ़र्क है। ये आपका ये ओपन हो गया, ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसके साथ आपका नट बोल्ट वगैरह सब आता है, प्लस आपका चाबी वगैरह ये रहा, इसका चाबी भी आ गया आपका, ये कंप्यूटराइज चाबी आ गया इसका, और ये आपका स्टिकर वगैरह सब आता है, ये समझो अल्मीनियम का पूरा बॉक्स आ गया, क्वालिटी आप देख सकते हो पूरी अल्मीनियम की है, ये देख सकते हो। और फाइनली अब फिटिंग होने के बाद मैं सारा चीज़ दिखाता हूँ कि हाँ क्या क्या मॉडिफाइड किया है हमने और कैसे किया है। सो आज अपना डोमिनार जो 250 है पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या लगा मैं आपको फाइनली अब दिखा दूँ क्या क्या हमने पूरा और कैसे फिटिंग किया। पहले तो अब क्रैश गार्ड का मैं दिखा दूँ, ये आपका स्मॉल वाला क्रैश गार्ड हो गया जो प्लग एंड प्ले सिस्टम आ जाता है, एक यहाँ पे आपका फाइनली पेज आ भी है, एक यहाँ लग जाता है, दूसरा एक आपको यहाँ लग जाता है, तीसरा यहाँ लग जाता है, और ये गिरने पे हमारा फुल रेडिएटर भी प्रोटेक्ट करता है। और लंबे रूट पे जाते हो तो इसमें पैर वगैरह भी रख के आप जा सकते हो, ये हमारा क्रैश गार्ड का ये है। और इसमें मेरे पास 3 मॉडल मिल जाता है, 4 स्लाइडर वाले भी हैं,
और इसी में एक मीडियम भी आ जाएगा, एक बिग वाला, तीन मॉडल हमारे पास क्रैश गार्ड का मिल जाता है आपको। और इसके साथ हमने लगाया है सिमटेक का हैजार्ड, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सिमटेक का हैजार्ड, तो पहले चाबी ऑन करोगे तो एक बार ये ब्लिंक करेगा ये, उसके बाद आपका लेफ्ट राइट सेंटर करोगे हैजार्ड हमारा ऑन हो जाता है। इसमें पैटर्न चेंज करना है, फिर लेफ्ट राइट सेंटर करोगे दूसरा पैटर्न आ गया, फिर तीसरा आ गया, बहुत सारे पैटर्न है, जो आपको पैटर्न पसंद है वो लॉक कर सकते हो। दूसरी बात है कहीं का इंडिकेटर लोगे ऑटोमेटिक ये आपका ऑफ हो जाता है, जैसे इंडिकेटर है ना ऑफ हो गया, साइड का आपका जो जिधर का आप लिए होगा उधर का जल जाएगा, ये हमारा देख सकते हो आप, ये हमारा इंडिकेटर का हो गया। और इसके साथ हमने हैंड गार्ड हमारे पास मिल जाता है बहुत सारे मॉडल, ये पीवीसी का पहले का लगा हुआ था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये प्लास्टिक वाला केटीएम टाइप बोल सकते हो इसको, केटीएम मॉडल, केटीएम में लग के आता था पहले, वो मॉडल लगा हुआ था इसमें, मैं इसे दिखा दिया मैंने। और ये आपका ये मॉडल है, प्लस हमारे पास बाघ बूस्टर भी मिल जाएगा, जो बाघ बूस्टर कुछ ऐसा आ जाता है, ये मेटल रॉड में आपका आ जाएगा प्लास्टिक का, और दूसरी ये फिटिंग भी ऐसा आ जाएगा, ये देख सकते हो। इससे हमारा बेनिफिट है, जैसे हमारा लीवर वगैरह कभी गिरता है तो टूटने से बचता है, और हाथ भी, और सर्दी का मौसम में इस पर जो हमारे हाथ पे हैंड पे जो हवा वगैरह लगता तो वो नहीं लगेगा। और इसके साथ मेटल वाले मोबाइल होल्डर भी है, देख सकते हो फुल रोटेट में है, इसमें मोबाइल वगैरह आपका फुल अच्छे से पकड़ भी है। और सो गाइस रेडिएटर गार्ड भी हमारे पास मिल जाता है, जो स्टेनलेस स्टील का ऐसा आ जाता है, जो रेडिएटर फुल हमारा प्रोटेक्ट करता है, इससे होता है हमारा रेडिएटर हमारा पूरा सेफ रखेगा, पत्थर वगैरह से जो टूटने का डर था वो खत्म हो जाता है। और आप साइलेंसर प्रोटेक्टर भी लगा सकते हो, जो ये देख सकते हो साइलेंसर गार्ड, जैसे गिरने पे हमारा फुल प्रोटेक्ट करता है, बचेगा, जैसे ये हमारा साइलेंसर पे जो स्क्रैचेज वगैरह लगता था वो नहीं लगेगा इससे, ये देख सकते हो। और जो फाइनली हम जो पैनियर्स और टॉप बॉक्स लगाया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, पहले तो हमारा पैनियर्स और टॉप बॉक्स का पीछे से मैं लुक दिखा देता हूँ कैसा है हमारा लुक। सो ये हमारा पैनियर्स का लुक आ जाता है, जो काफ़ी हेवी बोल्ट, जैसे आप लंबे रूट पे घूमने जाते हो तो लुक के लुक भी है, और इसमें आप जैसे कैरी वगैरह कर सकते हो अपना जितने भी आपका जो सामान वगैरह है, कपड़े वगैरह या और भी चीज़ जो लेके जा रहे हो, इसमें आप बिल्कुल आप सही सलामत रख सकते हो। और इसमें ये बेनिफिट होता है, जैसे बैग वगैरह जैसे होता है ना कि कभी गिरने पर फट जाता है, चाहे आपका कपड़े वगैरह समझो एक तरीके से बारिश वगैरह का मौसम हो तो उसमें गीला होता है, तो वो इसमें नहीं हो, ये वाटर प्रूफ आता है। और इसका स्पेस भी काफ़ी बहुत ही अच्छा है, मैं दिखा दूँ कि हमारा टॉप बॉक्स ये आपको 45 लीटर का ये देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया हुआ है आपका 45 लीटर का, और ये फुल वाटर प्रूफ, साइडों में रबड़ वगैरह सब लगा हुआ है, देख सकते हो आप। और ये जब आपको अगर मान लो आपको यूज नहीं करना हो तो आप हटा सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूँ कैसे हटाना है। ये आपका लॉक आ गया, ये यहाँ से लॉक खोलना है, और ये आपका पुश करोगे ये हमारा खुल गया, कुछ नहीं करना, बैक पीछे खींच लो, ये आपका बाहर आ गया, ये देख सकते हो ये टॉप बॉक्स हमारा बाहर आ गया। और इसके साथ अगर आपको पैनियर्स भी हटाना है तो पैनियर्स भी मैं हटा दूँ, पहले तो आपको पैनियर्स का मैं ये दिखा दूँ स्पेस कैसा है हमारा। ये हमारा चाबी से ऑन हो गया, ये यहाँ से ये पुश करो, ये आपका ये साइडों से आपका बाहर आ गया ये, और इसके आप देख सकते हो ये आपका पूरा स्पेस वगैरह, और इसमें भी रबड़ वगैरह होता है फुल। और इसको अगर आपको बाहर निकालना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बाहर निकालते हैं। ये हमारा लॉक यहाँ से खुल गया, और आपका यहाँ से ये भी ऑन हो गया, और ये आपका निकल गया, और कुछ नहीं करना, बस साइडों से ये हमारा ये खींचोगे बाहर आ जाएगा आपका, ये देख सकते हो ये साइडल स्टे हमारा रह जाता है, ये साइडों से हमारा बाहर। और इसमें ये बेनिफिट है, जैसे आपको दो पैनियर सेट लगा रहे हो तो एक ही चाबी से दोनों आपको हम जो ये खुलेगा आपका, एक ही चाबी से ये भी है ये भी है, चार आपका जो लॉक है आराम से खुल जाता है। और ये मेटल बॉक्स है, ये देख सकते हो आप, ये पूरी मेटल है, आपका पूरा किट आ जाता है, आपको जहाँ इच्छा करे वहाँ जा सकते हो, आपका समझो बिल्कुल सेफ है, आपका कोई भी सामान वगैरह रखते हो। ये था हमारा डोमिनार का जो 250 का हमने जो मॉडिफाइड किया है, और कुछ नया आइटम कराना हो। और इसमें हमने जो लगाया है टॉप रैक, ये देख सकते हो टॉप रैक भी हेवी क्वालिटी में लगाया हमने, जो आपको समझो कि इतना हेवी है ना कि आप इस पर वजन भी डालोगे अगर भाई, तो बॉक्स भी नहीं लगाओ। अब पहली बात, बॉक्स अगर लगाते हो तो आपको हेवी ही चाहिए, हल्का लगाओगे तो ये मुड़ जाता है, अब मुड़ेगा टूटेगा तो फिर आपका नुकसान ही होता है। और ये है कि आपको अगर हेवी लगाते हो तो हेवी में आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको है ना लंबे रूट पे जाते हो कभी गड्ढे गुड्ढे में, तो ये आपका नुकसान नहीं होता है, ये देख सकते हो आप। ये था हमारा टॉप रैक का, और भी आपको मॉडिफाइड का हमने दिखा दिया, और कुछ नया आइटम कराना हो तो आप करा सकते हो मेरे शॉप पे आके, शॉप पे आना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है, और अगर प्राइस वगैरह पूछना है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ, बाय बाय।